बट जैसे मैंने मफाका का जिक्र किया अभी मैंने कहीं पढ़ा कि वो अपने स्कूल की तैयारी कर रहा है हाँ जी बिल्कुल उनका टीचर साथ आया था वो सत्रह साल का था तो विच वॉज रियली गुड टू सी कि भाई दोनों चीज़ों को बंदा सीरियसली ले रहा है नहीं बट जैसे मैंने मफाका का जिक्र किया अभी मैंने कहीं पढ़ा कि वो अपने स्कूल की तैयारी कर रहा है हाँ जी बिल्कुल उनका टीचर साथ आया था हाँ आ, उनका भी कल एक आर्टिकल छपा था जिससे मैं उसने कहा कि मैं स्कूल की तैयारी कर रहा था और मेरे एग्जाम्स इस बार आएंगे फाइनली मेरा स्कूल ख़त्म हो जाएगा यस तो अभी जब वो आए थे यहाँ पे तो माइंड हाँ एम आई में जब वो आए थे तो उनकी मदर साथ आई थी वो ट्रैवल करती थी बिकॉज सत्रह साल का था और पहली बार अकेला जा रहा था और उनकी फिर एक टीचर आई थी वो टीचर उनको पढ़ाती भी थी तो विच वॉज रियली गुड टू सी कि भाई दोनों चीज़ों को बंदा सीरियसली ले रहा है बट ये आपके लिए कैसा मोमेंट था कि आप क्रिकेट खेल रहे हो और एक बच्चा आपके साथ है जो अपने स्कूल के होमवर्क भी पूरे कर रहा है या तैयारी कर रहा है या पढ़ाई कर रहा है आई मीन आई एम श्योर आप लोगों के लिए बड़ा फैसिलिटिंग होगा या लगता है यार इतने पुराने हो गए हम नहीं मैं तो कभी नहीं मानता पुराना हो गया मैं तो अभी भी सोच रहा हूँ मैं पाँच साल और खेलूंगा सुपर। और वो मोटिवेशन है क्योंकि एज आई ऑलवेज से वाई आई स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट बिकॉज आई लव दिस गेम आई हैव नॉट स्टार्टेड थिंकिंग कि यार मेरे को नाम मिलेगा पैसा मिलेगा मैंने खेलना शुरू किया था क्योंकि मुझे मज़ा आता था खेलने में और आज भी उतना ही मजा आता है और फैसिनेटिंग पढ़ाई साथ में कर रहा है वो मैं उस फेस से गुजर चुका हूँ क्योंकि हमारे यूपी में आपको अगर ट्रेंड पता हो तो स्पोर्ट्स हॉस्टल और स्पोर्ट्स कॉलेज का ट्रेंड होता था और मोस्टली यूपी के लिए लड़के उसी से खेलते थे तो आई थिंक आई वाज द वन हु ब्रोक दैट ट्रेंड और जो मैं बाहर का लड़का आके खेला था क्योंकि मैं घर रहता था मैं पढ़ाई भी करता था साथ साथ बिकॉज आई वॉज़ अ डिसेंट स्टूडेंट और खेलता भी था तो मेरे लिए वो चीज़ मैं उसको आज भी मैं अगर किसी बच्चे को मिलता हूँ और मेरे से पूछता है ना भैया मेरे को क्रिकेट खेलना है मैं क्रिकेट खेलो बहुत मन से खेलो लेकिन पढ़ाई उसकी वजह से साइडलाइन नहीं होनी चाहिए बिकॉज यू नेवर नो वट्स देयर इन योर डेस्टिनी क्रिकेट हो ना हो लेकिन पढ़ाई साथ में होनी चाहिए तो एक बैकअप ज़रूरी है आई मीन यू गिव अ गुड एग्जांपल सौरभ नित्रवलकर एग्जैक्टली <laughs> देखिए वो अपना पैशन भी जी रहे हैं अब क्रिकेट खेला वर्ल्ड कप में इतना ज़बरदस्त किया उसके बाद वहाँ पे वो सॉफ्टवेयर कंपनी में तो विच इज़ रियली गुड बिकॉज पढ़ाई जो हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए ना जो ज्ञान होता है वो कभी भी ख़राब नहीं होता कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल ज़रूर होता है तो चावला को किस में मज़ा आ रहा है क्रिकेट खेल के कमेंट्री करके बीइंग अ फादर आई मीन यू डूइंग ऑल द जॉब ये भी बड़ा एक नया निकला ट्रेंड निकला है आई हैव सीन दिनेश कार्तिक आई हैव सीन पीयूष चावला सब कुछ करना है अपन क्रिकेट भी खेलेंगे कॉमेंट्री भी करेंगे बच्चे भी संभालेंगे फैमिली मैन भी एवरीथिंग देखिए सबसे पहली चीज़ जो मेरा शुरू किया था क्रिकेट तो क्रिकेट ऑब्वियसली ऑलवेज प्लेइंग इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी फिर उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें चेंज होती हैं अभी मैं यहाँ जैसे खेलने भी आया हूँ तो मेरे बेटे से रोज बात होती है और वो अच्छी चीज़ यह कि वो सात साल का हो गया और उसे सब समझ आता है तो हम लिटरली डिस्कस करते हैं यहाँ पे यू हुआ मेरे को पहले मैच में चार में चौवन पड़े और मेरे को आज तक इतने रन कभी नहीं पड़े और uh, उससे मैं फ़ोन पे डिस्कस कर रहा हूँ मैंने कहा यार आदवे खिजने में जा मैंने कहा यार आई गॉट हिट फॉर रन कहते डोंट वरी बट यू बोल्ड वेल सो इमेजिन अ सेवन ईयर ओल्ड के टेलिंग यू लाइक दिस एंड देन नेक्स्ट गेम जब था हमारा लखनऊ के अगेन सो ही कॉल्ड मी अप इन द मॉर्निंग ही केम बैक फ्रॉम स्कूल और दोपहर कहीं मैच था तो फ़ोन किया कहता यू लेफ्ट फॉर द गेम तो मैंने कहा या आई एम ऑन द वे कहता है देन जस्ट शो एवरी वन इज़ द रियल बॉस एंड एक दैट इज़ लाइक अ मोटिवेशन ये सुनने में लग रहा है कि मजाक वाली बात है बट दैट इज़ लाइक अ मोटिवेशन फॉर मी कि यार मेरा सात साल का बच्चा मेरे को टी वी देख रहा है मेरे को उसके लिए कुछ स्पेशल करना है देन आई गॉट मैन ऑफ द मैच इन दैट गेम तो उसका फिर फोन आया कहता है आई टोल्ड यू यू हर द रियल बॉहस सो दैट इज़ लाइक अ मोटिवेशन एंड देन कॉमेंट्री ऑब्वियसली आई एम एंजॉइंग इट बिकॉज बहुत सारी चीज़ें होती हैं और बातें करने में मेरे को अच्छा लगता है डिस्कशन करना अच्छा लगता है और जब आप उस चीज़ पर डिस्कशन करते हो जिससे आपको प्रेम है क्रिकेट तो वो एक अलग ही चीज़ है फिर तो पीयूष चावला पहले रिटायर होंगे एम एस धोनी माई वाई बिकॉज सेट की अकाय कोहली तक तो धोनी खेल जाएंगे अब <laughs> देखिए अकाय कोहली तक तो मैं मेरे से एक बार बीच में क्या हुआ पृथ्वी शो आ, मिला मेरे को अभी तो कहता है पीसी भाई बस करो यार हम मैं कहा मैं कहा देख मैं सचिन पाजी के साथ खेला मैं अब उनके बेटे के साथ खेल रहा हूँ मैं अब तेरे साथ खेल रहा हूँ तेरे बेटे के बाद मैं रिटायर हो जाऊँगा बट आई एम श्योर आई एम श्योर इट्स फैसिनेटिंग टू थाउजेंड फाइव या थार्स सेकेंडेस्ट आफ्टर द ग्रेट सचिन तेंडुलर यस आई स्टिल रेलिवेंट वेल ऑनेस्टली स्पीकिंग दैट वॉज लाइक अ ड्रीम बिकॉज कभी सोचा नहीं था कि सत्रह साल में मैं इंडिया खेल जाऊंगा या कुछ hmm. और एक टाइम ऐसा भी आया था जब मैं यूपी के ट्रायल्स पे आता था तो मैं तीन साल लगातार ट्रायल देने आया और हर साल फाइनल राउंड तक पहुंचता था और मैं बाहर हो जाता था तो जो मेरा तीसरा साल था तो जब मैं घर से चला और जब आप के ऊपर थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है चाहे कम एज में ही हो तो आप मेच्योर थोड़ा जल्दी हो जाते हो मैं पढ़ने में अच्छा था मेरे को पता है मैं फादर वॉज अ वर्किंग क्लास पर्सन सो मेरे दिमाग में यह था कि यार अगर मैं हर साल जाता हूँ सेलेक्ट नहीं होता वापस आ जाता हूँ पाँच छः दिन ख़राब होते हैं पढ़ाई छूटती है थोड़े पैसे भी खर्च होते हैं तो मैं बोल घर पे बोल के आया था कि पापा अगर मैं इस साल सेलेक्ट नहीं हुआ सो आई एम डन आई एल फोकस ऑन माय स्टडीज़ तो पापा बोले ठीक है जैसा तुझे ठीक लगे वो आखिरी ते थर्टीन ऐट द एज ऑफ थर्टीन मैं ट्रायल दे रहा था अंडर सिक्सटीन का अगेन आई मेड इट टू द फाइनल राउंड तो वहाँ पे मेरे को गोपाल सर गोपाल शर्मा जी वो आज भी यूपी क्रिकेट से एफिलेटेड हैं उन्होंने मेरे को बुलाया बोले बेटा कितने साल के मैंने कहा सर मैं तेरह साल का हूँ तो कहते हैं एक काम करो कल से अंडर फोर्टीन का ट्रायल है आप उसमें आना मैंने कहा ठीक है सर मैं शाम मुरादाबाद से कानपुर एक ही ट्रेन चलती थी मैं घर वापस धर्मशाला जहाँ रुका हुआ था वहाँ रुक गया अपना सामान उठाया रात की ट्रेन पकड़ी मैं मुरादाबाद चला गया तो वहाँ जब मैं पहुँचा तो जाके अपना सो गया रात भर ट्रैवल करके अगले दिन फ़ोन आया यू ऑफिस से लैंडलाइन पर मोबाइल होते नहीं थे मेरे पिताजी ने फ़ोन उठाया उन्होंने बात करी तो मिस्टर के के अवस्थी थे उन्होंने बोला कि आपका बेटा कहाँ यहाँ पे हमें मिल नहीं रहा तो बोले वो घर पे आ गया बोले हमारी बात कराइए मैंने बात करी बोले बेटा आप कहाँ घर क्यों चले गए आपको सेलेक्टर्स ने बोला था यहाँ मैं कहा सर देखो आप लोगों ने लेना होता नहीं है तीन चार दिन रुकना होता है तीन चार सौ रुपये खर्च हो जाते हैं एट दैट टाइम तीन चार सौ रुपये वॉज अ बिग डील और फिर वहाँ उसके बाद जब सेलेक्ट नहीं होते फिर फाइनल राउंड तक पहुँच के बाहर हो जाते हैं तो बस हो गया सर बोले बेटा आप वापस आ जाओ सेलेक्टर्स आपको ढूंढ रहे हैं तो मैंने कहा नहीं मेरे को नहीं आना तो फ़ोन बात ख़त्म हो गई तो पिताजी बोले जब तू इतने साल गया एक बार और चला जा मैं रात की वापस ट्रेन पकड़ी मैं वापस कानपुर आया फिर वहाँ पे ट्रायल दिया तो ऑब्वियसली आई मेड इट टू द फाइनल थर्टी एंड देन फिर मैं पहला मैच खेलने गया नागपुर अंडर फोर्टीन तन में श्रीवास्तव ऑज अ कैप्टन गोपाल सर वॉज द कोच तो मैं गया मैं सेलेक्ट हुआ एज अ बैटर मिडिल ऑर्डर बैटर या डोमेस्टिक क्रिकेट में पीषावला ऑलराउंडर <laughs> तो उसके बाद पार्ट टाइम लेक्स बना रन नहीं बने तन मैंने बॉल डलवाया पिकडअप सेवन विकेट्स इन द फर्स्ट इनिंग पिकडअप फाइव इन द सेकेंड इनिंग्स फिर सेकेंड मैच खेलने हम गए इंदौर अगेंस्ट एम पी एक इनिंग का मैच हुआ आई बोल्ड फिफ्टी एट ओवर्स पिकडअप सिक्स विकेट्स अगेन देन वी वर चेजिंग अराउंड तीन सौ अस्सी और हम लोग कुछ डेढ़ सौ पे छः आउट हो गए आई गोडा हंड्रेड वी वन द गेम फिर मैं आया कानपुर आ, राजस्थान के अगेंस्ट खेलने हम लोग कुछ दो सौ पे फिर पाँच आउट हो गए अगेन आई गोडा हंड्रेड फिर फर्स्ट इनिंग में पहले मेरे दो विकेट लिए हुए थे टी से पहले का एक ओवर था तो कैप्टन तन में था तन में कहता पी सी आर रुक जा कह रहा है अब एक ओवर बचा है किसी और को डलवाएगा इससे अच्छा है, मैं ही डाल देता हूँ कहता है ठीक है राजस्थान हंड्रेड फॉर फाइव हंड्रेड ऑल आउट एक ओवर पाँच विकेट खत्म <laughs> विकेट विकेट डॉट बॉल हैट्रिक सात विकेट उसमें लिए अगले इनिंग में तीन फास्ट बॉलर खेल रहे थे और पहला ओवर मैंने डालना शुरू किया सेकेंड इनिंग अप एट विकेट्स सो आई फिनिश थ्री गेम्स थर्टी थ्री विकेट्स कपल ऑफ हंड्रेड तब हुआ कि यार ये कोई लड़का आया है तो कहानी ऐसी घूमी कि आप सोचिए कहाँ में अगर उन 2000 फॉर्म में अवस्थी सर फॉर्म ना ढूंढते, वो घर पे फ़ोन नहीं आता तो आज आप और हम यहाँ नहीं बैठे होते हैं <laughs>